बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों के मंथन को लेकर आ रही है। हरियाणा को लेकर सीईसी की बैठक खत्म हुई है, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, अब तक का उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सीईसी की बैठक खत्म हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से आती हुई उम्मीदवारों के नाम पर सीईसी में चर्चा हुई, मंथन हुआ। हालांकि अब तक उम्मीदवारों के नाम सामने आए नहीं हैं। इंतजार है विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों का, चाहे एक ही लिस्ट में सभी विधानसभा को लेकर उम्मीदवार सामने आते हैं या फिर अलग अलग सूचियों के जरिए, ये देखना होगा। लेकिन अभी सीईसी की बैठक में मंथन हुआ है, उम्मीदवारों को लेकर बैठक में मंथन, चर्चा। जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार खोजने की कोशिश में कांग्रेस है, एक बार फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, महत्वपूर्ण सीईसी की बैठक खत्म हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन लगातार चल रहा है। प्रदीप कुमार एसोसिएटेड एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रदीप, सीईसी की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जो नाम है उम्मीदवारों के विधानसभा चुनाव को लेकर, उन पर मोहर लग सकती है, वो सामने आ सकते हैं, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए पंकज, अभी अभी बैठक खत्म हुई है, कांग्रेस सीईसी की बैठक, हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई है और अभी अभी बैठक खत्म हुई है। नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है, यहाँ पर कुछ पार्टी समर्थक भी मौजूद है, तो हंगामा भी चल रहा है। अपने अपने दावे को लेकर वो नेताओं से मिलना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने लगातार उनका, जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और इसलिए थोड़ा हंगामा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बैठक जो हुई है, बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने की खबर है। हालांकि सिर्फ ये जानकारी दे रहे हैं कि सब कमेटी जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी अलायंस को लेकर, उसको लेकर चर्चा नहीं हुई है। यानी आज सुबह जो बयान आया था दीपक बाबरिया का, उसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ को लेकर, संभावित गठजोड़ को लेकर चर्चा वो चल रही है। इस बीच ये जानकारी आई कि एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई पार्टी के नेता ने अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इंतजार ऑफिशियल बयान क्या है, अभी भी अंदर है नेता, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा जो सीईसी से जुड़े अन्य नेता है वो यहाँ मौजूद है, अभी इंतजार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन को लेकर कल जो निर्णय हुआ था उसमें 34 उम्मीदवारों को फाइनल किया गया था, 15 कोहोर्ट पर रखा गया, रिव्यू कमेटी बनाई गई, 22 सीटिंग विधायकों को टिकट देने का निर्णय हुआ है। इसी के साथ जो है जो चर्चा थी कल वो पूरी हुई थी, लेकिन इसी के साथ जो 41 पैनल पर सदस्यों पर चर्चा होनी थी, उस पर कितने सदस्यों पर चर्चा हुई है, क्या सहमति बनी है, क्या निर्णय हुआ है, इसको लेकर अब अधिकारिक बयान का इंतजार है। कुछ देर बाद ही पार्टी के प्रभारी कल दीपक बावरिया जब बैठक से बाहर आए थे तो उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि उम्मीदवारों की लिस्ट कब आएगी, तो उन्होंने हवाला इस सीईसी की बैठक का दिया था। उन्होंने कहा कल सीईसी की बैठक का और संभवतः कल शाम या फिर परसों, यानी कल के लिए उन्होंने बोला उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं सामने, क्या ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए अभी आज उम्मीदवारों की संभावना नहीं है, बल्कि कल उम्मीदवारों की संभावना है। यानी आज सीईसी खत्म हुई है और ऐसे में जो 34 नाम कल तय हुए थे और आज जो नाम तय हुए हैं इनको मिलाकर लिस्ट आएगी, ये कहा गया था दीपक बाबरिया की ओर से। तो आज कितने उम्मीदवार यहाँ पर फाइनल किए गए हैं, कितने उम्मीदवारों पर मोहर लगी है, इसका इंतजार है, आधिकारिक बयान का इंतजार है, इसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। तो फिलहाल पार्टी नेता अभी भी अंदर की तरफ जो मुख्य हॉल है वहां पर जमे हुए हैं, तो जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक बातचीत जब तक उनसे नहीं होती ये जानकारी यहाँ पर सामने नहीं आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी यहाँ गहमागहमी बढ़ी हुई है, जो दावेदार है टिकट के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं हरियाणा के, वो यहाँ पर जमे हुए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है, आधिकारिक तौर पर इस बैठक में क्या कुछ हुआ अभी कह पाना मुश्किल, लेकिन संभवतः कल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, पहली सूची कांग्रेस की तरफ से आ सकती है, जिसके संकेत मिल रहे हैं।